बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला के फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने हार्वेस्टिंग स्टार्ट करवा दी है जी गंदम की। ये देखें जी, ये गंदम हमारी कट गई थी, हमने आपको दिखाई थी। ये देखें जी, मशीन भी आ चुकी है, थ्रेशर। तो अब हम इसकी ना हार्वेस्टिंग स्टार्ट करवाते हैं। तो पहले इसका ना हवा का रुख देखना पड़ता है कि हवा किस तरफ है, मतलब कि वो जो भूसा है ना, जो तूड़ी निकलती है, वो दानों के ऊपर ना आए, ट्रैक्टर के ऊपर ना गिरे। तो वो पहले इन्होंने देखे है कि वो हवा इस तरफ है, तो फिर वो उसका जो है ना मुंह उस तरफ कर दिया। तो अब स्टार्ट करवाते हैं। पासा नहीं पड़ता राह बनाओ, मरी वाह किधर नो शाक टेस्ट करता पे हवा दा कि हवा किस तरफ है। शाक किधर तुड़ी हवा आए इस तरफ सारी। ये दानों के लिए होता है इसका, ऐसे कहते हैं वर्मा। तो उसे खोल लेंगे क्योंकि इससे दाने निकलेंगे आगे। ये जो है इधर से तूड़ी निकलेगी चीमा ब्रदर्स। ये पहले ये वाली जो है ना उठा लेंगे क्योंकि इधर से ना तूड़ी निकलनी है और तूड़ी का जो डस्ट है ना वो इसके ऊपर पड़ेगी, तो वो उठानी मुश्किल होगी, इसलिए इधर से उठा के ना उसे इधर रख लेंगे। थोड़ा ऊंचा कर लो ना, लो जी बोरा लग गया। अब स्टार्ट करवाते हैं ट्रैक्टर। वो जो उसके आगे थी ना परियां हम कहते हैं, वो उठा ली हैं ताकि जो डस्ट है ना वो इसके ऊपर ना पड़े तूड़ी के ऊपर।
तो पहले जो है वो सफाई कर लेते हैं मशीन की ना, नीचे से मार मार के ना खुरपा जो है वो ज़रा सारे निकल जाए। वो खुरपे की मदद से जो पुराने ज़रात थे ना मोटे उसमें फंसे हुए वो निकाल दिए हैं, तो अब स्टार्ट करवाते हैं। दाने भी बड़े प्यारे निकल रहे हैं और बड़ी प्यारी जो है ना मशीन भी चल रही है। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी मशीन चल रही है। दूरों के लिए खाना जो है वो बनवाते हैं घर से, तो जब इन्हें खाना भी खिलाना है जो काम करते हुए इंसान को भूख लगती है, तब तक ये वाली जो है ना ये वो हार्वेस्ट कर लेंगे, तो जब दूसरी जगह पे लगाएंगे ना जाके तो वहाँ पे इन्हें खाना शाना खिलाएंगे। तो बड़ी मेहनत का काम है ये, देखिए ना जी ये इधर से उठा के जाके उधर फेंकना और ऊपर से बंदा आगे डालना जी। तो जो है खाने का मैं कह आया हूँ, तो अब चलते हैं मशीन पर दोबारा देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा काम, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह स्पीडें लगी हुई हैं। माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका ये वाला, तो दाने भी निकल गए हैं। तो इधर से दाने फिर उठवा के रखते हैं इधर ट्राली में, तो निकलते हैं फिर अगली जगह पे जहाँ पे कुतराई करनी है।
जो ये तो दाने सारे निकल आए इधर के, तो इसे लोड कर लेते हैं इधर ट्राली में, फिर निकलते हैं अगले मैदान में। ये देखें, ये गांव के बीच बहारें, गायें चल रही हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये माहौल आता है गांव में, जिसकी यादें हैं इस तरह की वो मुझे शेयर करें, मुझे मेरे साथ कमेंट करें, मुझे बताएं। अब ये दाएं लोड कर लेंगे तो उसे आगे निकल चलेंगे। बच्चों की भी ईदी होगी, अभी साथ साथ जिधर जिधर जाएंगे उधर से बच्चों की भी साथ साथ पार्टियां होती जाएंगी। ये लोड हो गए, अब दूसरी ट्राली ला के ना ये तूड़ी लोड कर लेते हैं, निकलते हैं साथ साथ, फिर आपको दिखाते हैं। जो है ना वो जहाँ हमने गंदम की कटाई की थी, ये बाबे मुसाफर की कब्र के पास, वो देखें ना, अब इधर जो है ना वो मशीन लगाएंगे। ये आ रही है, वो वहाँ से जो दाने थे वो हमने ट्राली पे लोड कर लिए हैं और अब हम इधर आ गए हैं, इधर मशीन लगाते हैं। हमने ना जानवरों के चारे के अंदर ना कमाद लगाया है, मतलब के जिसे हम शुगर कैन कहते हैं। बाबा जी के पास हम जो है वो हार्वेस्टिंग करेंगे। यहाँ से जो रास्ता है वो बना लेंगे। ये खाला आ रहा है, ये रोड एक और गांव को जाती है, ये जो परिणाम कहते हैं उस साइड पे करवा के ना उस जगह पे जाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे अच्छे से। ओ पुत्रियो कर ले, वो वाली जो ट्रॉली है वहाँ उधर ही आ रहा है समय। अब जो है ना इधर से एक ट्रॉली जो है वो तूड़ी के लिए ले लेते हैं, फिर तूड़ी लोड करवा लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, दूसरी ट्रॉली जो है वो भी ले आए हैं, अब ये तूड़ी इसके ऊपर लोड कर लेंगे ना, तब तक तो हम वो वाली जो मशीन है उसे जा के देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची है, क्या कर रही है। ठीक है, लोड करके ना मैं दस देना, फिर भेज देंगे बंदा। जाना है तुम, चलो आ जाओ। जी तो व्यूअर्स, हम भी पहुंच गए हैं वापसी उधर ही, तो मशीन उन्होंने स्टार्ट करवा दी है। माशाल्लाह
स्टार्ट हो गई। मैं आपको इधर से भी दाने दिखाता हूँ। हमारी एवरेज जो है ना वो वहाँ था एक बिया, और जैसे जिसे दुआड़ कहते हैं या पंजाबी में कुछ भी, तो उसकी एवरेज निकली है तकरीबन 27 मन, तो 54 मन की एवरेज होगी किले पूरे की। गंदम सूख गई है, मतलब के वो जो था ना बारिश, इस दिन रात को बारिश पड़ी है उसकी वजह से था, थोड़ा बड़ा सूख गई है, बड़ी प्यारी है। तो मतलब कि ट्रैक्टर के ऊपर इतना बर्डन नहीं है, अगर होगा ना बर्डन तो वो ओखा होगा। ये मतलब ये देखे ना कि कितनी ज़्यादा सारी गंदम वो पकड़ के इसके अंदर डाल रहा है। अगर मगर स्लो रेस में इसने बंद हो जाना था, मतलब कि सूखी हुई है और दिन भी बड़ा आज लगा हुआ है जो ना धूप बहुत ज़्यादा है। ये हमारी मकई की फसल है, ये भी माशाल्लाह अभी सही है। वो देखें हाथ से ना कटाई हो रही है, हमने रैपर से कटवाई थी। मट्टी सीधी गांव की तरफ हो गई है, वो हमारा गांव है, अगर आप देख सके ना वो देखे घर बने हुए। चले गर्मी ने ना मत मारी हुई है, बड़ी मेहनत है इन लोगों की कि जो इतनी गर्मी में ना काम करते हैं। चलते हैं अब गाँव, थोड़ा सा उनके खाने का कोई बंदोबस्त करें, बने हैं तो वो ही ला के खिलाते हैं, तो काम करते भूख बड़ी ज़्यादा लगती है। चल भाई घोड़े हिंदुस्तानी, ये देखें जी मैंने ना, अब निकलते हैं गांव की तरफ, तो इनके लिए भी लंगर पानी ला गया लेते हैं जी। तो व्यूअर्स रोटी आ गई है, खाना इनके लिए आ गया, और माशाल्लाह ये एक एकड़ की जो जरवा देती है वो निकल चुकी है, और दूसरी जो रहती है वो भी अभी स्टार्ट करते हैं खाने के लिए। खाने की ब्रेक ले ली है जी, अब तो खाना शाना खा के तो फिर ये जो रहती है ये भी हार्वेस्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर खरीद रखे। गरीब आलू पट दे जमा कर लेंगे कोई 4 महीने जो के खाना शाना खा लिया, और उसके बाद फिर स्टार्ट करवा दी है मशीन। ये दाने निकले हैं ये वाले खेत से सारे, तो ये वाले भी अब साथ स्टार्ट करवाते हैं। बहुत प्यारे साफ सुथरे दाने निकल रहे हैं।
अब इसका बोरा चेंज करेंगे, फुल हो गया ना वो गंदम के साथ। गर्मी भी बड़ी ज़्यादा है, पर फिर भी साथ साथ फिर काम तो करना है ना, ये भी ज़रूरी है।